गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारे द्वारा उत्पादन फलन वाले चैप्टर का अध्ययन किया जा रहा है। उत्पादन फलन जिसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का अध्ययन करने से पहले मैं आपको पूर्व ज्ञान की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ आपके द्वारा फलन शब्द का प्रयोग किया जा चुका है। फलन आपके द्वारा मांग वाले चैप्टर में भी प्रयोग किया गया था, जहाँ आपने मांग फलन पढ़ा था। मांग फलन जिसमें डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी आपने पढ़ा था। पी कीमत है, डी डिमांड है। कीमत और मात्रा के मध्य पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध मांग फलन कहलाता है, और ये संबंध विपरीत होता है। कीमत अधिक तो मांग कम, कीमत कम तो मांग अधिक होती है। पूर्ति फलन, पूर्ति वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा था फलन शब्द पूर्ति फलन के रूप में। यहाँ एस इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी पढ़ा गया था आपके द्वारा। कीमत और पूर्ति के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। कीमत और पूर्ति में सीधा संबंध पाया जाता है। बाजार में ऊंची कीमत तो उत्पादक द्वारा अधिक पूर्ति की जाती है, बाजार में कम कीमत तो उत्पादक द्वारा कम पूर्ति की जाती है। ये जो हमारे पूर्ति फलन और मांग फलन है, इसके बाद हम फलन शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। फलन वैसे तो एक गणितीय शब्द है, फंक्शन गणितीय तकनीकी शब्द होता है। इसके अंदर दो चरों का प्रयोग किया जाता है, एक चर बाईं तरफ लिखे जाते हैं इक्वल टू के, और दूसरे चर को दाईं तरफ लिखा जाता है। ये बाईं तरफ और दाईं तरफ जो चर होते हैं हमारे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इक्वल टू के इस तरफ बायां पक्ष है, इक्वल टू के इस साइड में दायां पक्ष आपके होता है। बाएं पक्ष के अंतर्गत परतंत्र चर होते हैं। परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के मध्य पाए जाने वाला तकनीकी संबंधी मात्रात्मक संबंधी आपके फलन कहलाता है। अब हमारे द्वारा उत्पादन फलन पर आते हैं। उत्पादन फलन, उत्पादन जिसे हम आउटपुट कह सकते हैं, और उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, साथ संगठन होते हैं। इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला भौतिक का या मात्रात्मक का मतलब एक ही होता है, और तकनीकी संबंध फलनात्मक संबंध ही उत्पादन फलन कहलाता है। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल, और आपके जितने भी उत्पादन के साधन है, या लेबर कैपिटल की जगह एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, डैश डैश डैश, और ये क्यू से मतलब आपकी उत्पादन की मात्रा है, एफ का मतलब फलन हो गया, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री आपके उत्पादन के साधन हो गए हैं। इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को ही उत्पादन फलन कहते हैं। जो ग्रेगोरी मेनकीफ की जो डेफिनेशन आपके दी हुई है बुक में, वो आपको मैंने इसमें डेफिनेशन के रूप में लिखवाई है। सूत्र के रूप में ये वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं। एक कॉब डगलस नाम के अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा भी उत्पादन फलन की व्याख्या की गई थी। उत्पादन फलन के लिए उनके द्वारा दो ही उपादानों का प्रयोग किया गया था। दो उपादानों में उन्होंने श्रम और भूमि को, श्रम और पूंजी को लिया था। और डगलस का जो उत्पादन फलन है बच्चों, और डगलस ने उत्पादन फलन के लिए Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल, इन दो उपादानों को ही लिया था। उत्पादन इन श्रम और पूंजी की सहायता से ही किया जाता है। लेबर के ऊपर उन्होंने अल्फा की घात लगाई थी, अल्फा की घात लगाई थी लेबर के ऊपर उनके द्वारा, और बीटा के कैपिटल के ऊपर उनके द्वारा बीटा की घात लगाई गई थी। ये जो अल्फा और बीटा की घाते हैं, घातांक है, ये घातांक है स्थिरांक है, इनमें कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किसमें होता है? लेबर और कैपिटल के अंतर्गत। फिर से कॉब डगलस को मैं समझा रही हूँ। कॉब डगलस नामक अर्थशास्त्री के द्वारा उत्पादन फलन की परिभाषा दी गई है। इन्होंने उत्पादन फलन की परिभाषा देते समय दो ही उत्पादन के साधनों का प्रयोग किया था। ये जो दो उत्पादन के साधन थे, एक तो श्रम था जिसे एल से डिनोट किया गया, और दूसरा कैपिटल था जिसे के से डिनोट किया गया। इन दोनों के ऊपर इन्होंने अल्फा और बीटा की घातें लगाई थी। ये अल्फा और बीटा की घातें आपके स्थिरांक है, धनात्मक स्थिरांक है, मतलब ये घातें
जीरो से अधिक है, चाहे वन फोर्थ है, चाहे हाफ है, चाहे वन है, टू है, फाइव है, जो भी है घात है, वो स्थिर है और धनात्मक है। लेबर और कैपिटल में चेंज का परिणाम आउटपुट पर सीधा दिखाई देता है, ये इन्होंने उत्पादन फलन की व्याख्या की है। और भी बहुत सारे उत्पादन फलन आपको पढ़ने को मिलेंगे जो आपके सिक्स चैप्टर में लास्ट में आपके दिए हुए हैं। अब बच्चों इसके बाद है उत्पादन फलन की मान्यता। उत्पादन फलन की मान्यता आपने पहले भी पढ़ ली है। उत्पादन फलन की मान्यताओं के अंतर्गत आपके बुक में दे रखी हैं सारी मान्यताएं, आपको मैंने समझा भी दी थी और लिखने के लिए कहा था, आपने उतार ली होंगी। फिर आपके उत्पादन फलन की विशेषताएं दे रखी हैं, विशेषताएं भी आपके द्वारा आपको मैंने समझा दिया था और विशेषताओं के बारे में भी आपको किताब से ऐसे कैसे ही उतारनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके भौतिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक वस्तु है और एक अभौतिक वस्तु है। भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो बच्चों आपको दिखाई देती हैं और अभौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो दृश्य नहीं होती हैं, जिन्हें महसूस किया जाता है या जिन्हें हम सेवाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। वस्तु एक भौतिक वस्तुएं जिनका स्वरूप होता है, आकार होता है, निश्चित माप होता है, वजन होता है, जिन्हें आंखों से देख सकते हैं, भौतिक। और दूसरे नंबर पर आपकी होती हैं अभौतिक। इनका मैं पहला, दूसरा, तीसरा आपको डिफरेंस करते हुए पॉइंट पढ़ते सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भौतिक वस्तुएं दृश्य वस्तुएं होती हैं, अर्थात इन्हें हम आँखों से देख और हाथों से छू सकते हैं। अभौतिक वस्तुएं अदृश्य होती हैं, अर्थात हम इन्हें देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब इनका उदाहरण से हम समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत जैसे ये आपका मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, इसका कलर दिखाई दे रहा है, इसको आप छू सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे आप केवल महसूस कर रहे हो। उस टॉपिक को क्लियर करने में आपको मेरे द्वारा दी गई सेवाएं महसूस ही होंगी। नेक्स्ट फिर इसके अंतर्गत अंतर है, भौतिक वस्तुओं को आसानी से गिना जा सकता है, हम काउंट कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन अभौतिक वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता है, उनका मापन करना संभव नहीं होता है। वो महसूस करने वाली चीज़ें तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मापन उसका आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अल्पकालीन उत्पादन फलन, उत्पादन फलन के प्रकार। उत्पादन फलन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक को हम बोलते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक को हम बोलते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। पहले तो ये समझ लो आपकी फर्म के अंदर अल्पकाल और दीर्घकाल किसे कहते हैं। अल्पकाल किसी भी फर्म की या उत्पादक की वह स्थिति या वह समयावधि होती है जिसमें उसके कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और दीर्घकाल एक फर्म की दृष्टि से या एक उत्पादक की दृष्टि से वह समयावधि होती है जिसमें उसके सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव है। अल्पकाल के अंदर जो नियम लागू होते हैं उन्हें परिवर्तनशील अनुपातों के नियम कहते हैं, और दीर्घकाल के अंदर जो नियम लागू होते हैं उन्हें दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो नियम लागू होते हैं उसे स्थिर अनुपातों के नियम या पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। जब भी हम अल्पकालीन उत्पादन फलन के नियमों का अध्ययन करते हैं बच्चों, तो हमारे द्वारा कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा और इनकी सहायता से नियम की व्याख्या की जाएगी। जब भी हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन के नियम या पैमाने के प्रतिफल के नियमों की व्याख्या करेंगे, तो हमारे द्वारा समुत्पत्ति वक्र रेखाओं की सहायता से इनका अध्ययन किया जाएगा। बच्चों अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन का अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है, दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इसको मैंने लिखवा देती हूँ मैं आपको। अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन का पहला पॉइंट है,
काल में परिवर्तन अल्पकालीन उत्पादन फलन की शर्तों के अंतर्गत किया जाता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, अल्पकालीन उत्पादन फलन में अल्पकाल में परिवर्तन अल्पकालीन उत्पादन फलन की शर्तों के अंतर्गत होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी साधनों में एक साथ तथा समान अनुपात में परिवर्तन किया जाता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन तकनीकी परिवर्तन से संबंधित होता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन भी तकनीकी परिवर्तन से संबंधित होता है। अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों के अनुपात उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ बदलते रहते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी साधनों के अनुपात पूर्व की भांति ही अपरिवर्तित रहते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन में तकनीक की दशा पूर्वत अपरिवर्तित रहती है, जबकि दीर्घकाल में साधनों में परिवर्तन संभव है तथा तकनीक में परिवर्तन की दशा लचीली होती है। इसमें ये जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है, इसमें कुल औसत सीमांत उत्पाद रेखाओं की सहायता से तीन अवस्थाओं में स्पष्ट किया जा सकता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समोत्पत्ति वक्र रेखाओं की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। अब कल हमारे द्वारा बच्चों पर उत्पादन के अंदर जो हमारे उत्पादन की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उत्पादन के जो साधन हैं इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे और अल्पकालीन उत्पादन फलन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।